आयरा बेटा, सगाई का वक्त हो चुका है, सारे मेहमान आ चुके हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जल्दी आ जाओ। आप आगे चलिए, मैं आती हूँ, मैं ना अभी थोड़ा ब्रश कर रही हूँ। ये मायरा की आवाज को क्या हो गया? वो स्कूल में जो मैं ब्रश कर रही हूँ ना, स्कूल में ऐसी आवाज आ रही है। मायरा, ये कोई टाइम है ब्रश करने का? बेटा जल्दी रेडी हो जाओ। ओके। करीना दी, हम एक काम करते हैं, हम नीचे चलते हैं, सारे मेहमान आ चुके हैं, हमें उन्हें भी तो अटेंड करना है ना, और हम दोनों यहाँ आ गए, चलें? जी भाभी। मायरा, हम लोग नीचे जा रहे हैं, प्लीज जल्दी रेडी होके नीचे आ जाना। चलिए। आवाजें नहीं आ रही है, लगता दोनों आंटी चले गए, चेक करो क्या। बच गए यार, थैंक गॉड। करीना मैम भी चली गई, राखी आंटी भी चली गई। ओह माय गॉड, आज तो मैं पकड़ी जाती। वॉशरूम से बाहर तो आ गई, लेकिन कोई आइडिया नहीं आया। तो यार क्या करूं मैं इस माहिरा का, ये तो बेहोश पड़ी है। अगर फिर कोई कमरे के अंदर आ गया और किसी ने ऐसा देख लिया तो फिर तो वाटी है यार। क्या करूं मैं, ऐसे कमरे में नहीं रख सकती, इसे मुझे कमरे से बाहर लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन लेकर जाऊं तो कैसे लेकर जाऊं इसे मैं? क्या बात है भगवान जी, क्या आइडिया दिया है आपने, मजा आ गया। अब देखना, 1 सेकेंड, अभी आए। I'm kidding. मजाक कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो गया। तू तो घबरा गया। चल अपनी बात सर से कहा। नहीं देखा प्रीतम, बाइसेप्स ही नहीं है। बाइसेप्स बना, कहीं ऐसी बढ़ती हैं। मुझे बॉडी का कोई शौक नहीं, मुझे बॉडी का कोई शौक नहीं है, अबे बॉडी नहीं बने। तू जानता है तुझे देख के वो है ना मेरी, पता नहीं मेरी है भी या नहीं, काफी कटीली उसकी याद आ गई। तुम्हें देख के पता क्या लग रहा है, जैसे करेले ने करेला पकड़ा, पहले से इतनी कड़वी थी, करेला आपने पकड़ लिया। तुझे एक सीक्रेट बताऊं, वो जो है ना कड़वी करेली, उसने भी मुझे एक बार मेरे बर्थडे सूट में देखा था। अप टू बॉटम कंप्लीट। कवर आ गया तू, हाँ अभी यार इतनी खुशी का दिन और किसकी बात कर रहा हूँ। यू क्लीन द जैकेट, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। देखा मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है तुम्हारे साथ। आई स्वेयर, अगर तुम एक अच्छी लड़की होती, अगर तुम मेरे मेरी दी और मेरे जीजू के बीच में नहीं आती, तो मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना पड़ता यार। पर ये जो सब हो रहा है ना, आई एम सॉरी टू से, ये सब तुम्हारी गलती है। अरे यार ये माहिरा की मम्मा को भी अभी आना था। चल सृष्टि जल्दी से यू टर्न मार। मायरा, मायरा, मायरा कब से आवाज लगा रही हो, कहाँ जा कहाँ रही हो तुम? हेलो आंटी। हेलो। एक्चुअली हम बॉस के रूम में जा रहे हैं। आई एम टेकिंग हर टू माय बॉसेस रूम। आल्सो माहिरा मैम को बोर हो रहा था, तो आई थॉट के थोड़ा वॉक पे चलेंगे तो अच्छा लगेगा माहिरा को। आल्सो माय बॉस वांटेड टू सी हर, बॉस को मिलना था, सो दैट्स व्हाई। ओके आंटी। अरे लेकिन तुम बात क्यों नहीं कर रही है मुझसे?
What's wrong with her? ऐसी मुंडी नीचे करके क्यों चल रही है? मायरा, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। So sorry. She can't talk. वो नहीं बोल सकती। बोल नहीं सकती? Because उनको बॉस से पहले बात करनी है। Also, she's bride. What you say? दुल्हन। तो she's blushing. शर्मा रही है। Yes. शर्मा रही है? Yes. She's शर्मोफाइंग। She शर्मा रही है। So that's why. एक मिनट, हाँ। Now she can hear you. She can see you. वो आपको देख भी सकती है, आपको सुन भी सकती है। Yes. Okay, auntie. We are going. Thank you. No. पहले मुझे मेरी बेटी से बात करनी है। I have to check her makeup. Now. No. It's in the contract. Contract का रूल है। सबसे पहले मेकअप बॉस देखेगी, उसके बाद आप और whoever wants to see her. वो क्या है ना? पहले बॉस चेक करेगी मेकअप कि सब कुछ ठीक है नहीं है, इफ देर आर नी लास्ट मिनट चेंजेस, अगर कुछ चेंज करना है मेकअप में तो वो बॉस करेंगी, एंड देन शी विल फाइनलाइज द ब्राइड। वो फाइनलाइज करेगी मेकअप कि हाँ ये अभी ठीक है, एंड देन शी विल। और अगर आपने उनके देखने से पहले देख लिया ना, तो शी विल सू यू। वो आपके अगेंस्ट केस फाइल करेगी। कॉन्ट्रैक्ट का रूल है मैम। कॉन्ट्रैक्ट मुझे सू करेगी? ये मेरी बेटी है। I am going to check. No. उसका face देखूंगी। I'm sorry, ma'am. Contract का rule है. Sorry, I have to take her. उसको मेरे को लेके जाना पड़ेगा. Thank you. Arigato. Arigato, my foot. पता नहीं मायरा कहाँ से ऐसी stupid beautician लेके आई है। यहाँ पर तो सब कुछ अजीब है। शहर अजीब है, लोग अजीब हैं, यहाँ के rules अजीब हैं, और इधर करण। करण ने प्रीता से शादी की हुई है, लेकिन वो बोल रहा है कि उसने शादी नहीं की, अब वो मेरी बेटी से शादी करना चाह रहा है, और यहाँ पर प्रीता सब जानते हुए भी करण से ही शादी करना चाहती है। I don't know what to do. तो ये एंगेजमेंट रिंग माहिरा के लिए। अरे आराम से आराम से। अरे कहीं इसको लग ना जाए। दरवाजा बंद कर देती हूँ। चल माहिरा चल यार, कब से मैं तुझे ऐसे लेकर आ रही हूँ। यहाँ आ जा, यहाँ चेयर पे बैठ जा प्लीज। ये ओ गॉड, चलो ये चेयर पे तो बैठ गई। यहाँ से हिलना नहीं है अभी, पहले बता रही हूँ। ऐसे पागल हूँ ना मैं, कैसे हिलेगी सृष्टि? ये तो बेहोश पड़ी है। ठीक है मैं हिल रही हूँ, मैं चल रही हूँ यहाँ से। बाय। एक मिनट, मैं कैसे चल सकती हूँ? अरे अगर मैं चली गई और अगर इसको होश आ गया और ये उठ गई तो डायरेक्टली यहाँ से भाग जाएगी। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसके होश आने के बाद भी ये यहीं पर बैठी रहे। क्या करूँ मैं? एक काम करती हूँ, इसे इसी चेयर से बांध देती हूँ ताकि अगर उसको कभी होश भी आ जाए ये इस चेयर से उठ ना पाए। लेकिन कैसे इसको बांधू? कैसे किस चीज से बांधू मैं? कबाड़ में देखती हूँ। अरे यार यस, ये हुई ना बात। इसको अब बांध देती हूँ मैं। प्रीतम, ओनो, ये तो मुझ ही निकल गई। करण ने मुझे ऐसे देख लिया तो वो तो मुझे पहचान लेगा।
क्या हुआ? ऑलमोस्ट ओ तूने देखा? क्या वही जो मैंने देखा? एंगेजमेंट रिंग देखी नहीं तुमने? यही तो पड़ी थी, डिजाइन भी बहुत अच्छा। हुई ना बात, अब यहां से नहीं कहीं जाने वाली। ये सच में बेहोश है या बेहोशी का नाटक कर रही है? अब ओए हेलो हेलो माहिरा, तुम सुन रही हो? हेलो एक्सक्यूज मी, तुम होश में हो या बेहोश हो? देखो अगर होश में हो ना तो जल्दी से अपनी आंखें खोलो, ये सब ड्रामे नहीं करना मेरे सामने। अरे हेलो एक्सक्यूज मी माहिरा, तुम सुन रही हो? मैंने तुम्हारा किडनैप किया है, बाद में ये नहीं कहना कि मैंने तुम्हें बताया। अरे इसे होश आ रहा है, हेलो आवाज चेंज करके बात करती हूँ। हेलो मैडम, हेलो लिसन टू मी, यहाँ पर देखो आई एम योर किडनैपर, मैं आपके किडनैपर हूँ, मैंने आपको किडनैप किया है। देखो अभी से बता रही हूँ, बाद में ये नहीं कह रहा कि मैंने किडनैप करने से बताया नहीं। एक्सक्यूज मी, अरे फिर बेहोश हो गए? अरे इससे तो मुझे वार्निंग तक नहीं देने दी यार। मैंने देखा है फिल्मों में किडनैप होने के बाद विक्टिम को वार्निंग दी जाती है, और ये तो किडनैप नाम सुनते ही बेहोश हो गई। अरे क्या करूं मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये अपनी आंखें खोले? अरे खोलना। यस, मैं इसे एक जोरदार चमाट मारूंगी, जैसे ही मैं इसे जोरदार थप्पड़ मारूंगी ये इसे रोबोट की तरह उठ के खड़ी हो जाएगी। ये सही आइडिया है, मैं अपना हाथ भी साफ कर लूंगी और किसको पता भी नहीं चलेगा। सृष्टि को ऐसे कैसे चमाट मार सकती है यार, ये तो सो रही है। बेहोश पड़ी है। कोई एक बेहोश इंसान पे ऐसे कैसे चमाट मार सकता है? ये तो गलत बात है ना। नॉट गुड, वेरी बैड सृष्टि, वेरी बैड। तो मैं क्या करूँ, मुझे तो इसको चमाट मारना है। इसको उठाती हूँ, इसकी आंखें खोल कर चमाट मारूंगी, इसको देखना पड़ेगा कि इसे चमाट कौन मार रहा है। ये हेलो माहिरा, सुनो प्लीज उठ जाओ यार, मुझे बहुत जोर से तुम्हें चमाट मारना है, थप्पड़ मारना है, कस के मेरे मन की भड़ास निकालनी है यार, प्लीज उठो ना माहिरा, प्लीज। हेलो माहिरा उठो ना यार, प्लीज मुझे। अरे यार इसके चक्कर में मैं सैमी को वही। अरे धीरे,
प्रीतम हो गया देखा वाह मेरी एंगेजमेंट रिंग तेरे हाथ में सॉरी वो गलती से पता नहीं चला काम डाउन फिट आई बिल्कुल तेरे हाथ में हाँ अच्छी लग रही है चल निकाल देता हूँ ये तो फंस गई निकल नहीं रही निकलेगी निकलेगी मैं हूँ ना आई नो द वे वेट यार मैंने ऐसी रिंग निकाली थी उसकी उंगली से किसकी उंगली से चल बता देता हूँ यार प्रीता प्रीता की उंगली से ये निकाली थी ऐसे इसी तरीके से रिंग निकाली थी अरे यार सैमी तुम देखने में इतने सुकड़े हो लेकिन इतना बॉडी वेट है तुम्हारा इतना वजन किसका होता है यार कब से तुम्हें लेके जाने की कोशिश कर रहे तुम तो हिल ही नहीं रहे हो अरे थोड़ा तो हिलो यार मुझे पता है अगर मैंने तुमसे ये कहा कि तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा है तो मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लगेगा तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें मोटा बोल रही हूँ लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है यू नो मैं इतनी कोशिश करी फिर भी तुम हिल नहीं रहे हो यार ऊपर हो जाओ यार थोड़ा तो खुद से हिल लो सैमी कुछ तो सपोर्ट करो मुझे देखो ना हमें चलना है वहां पे चलो हाँ वेरी गुड ऐसे ही ऐसे समीर वो भी इस ब्यूटीशियन के साथ यार एक तो इस माहिरा ने मेरे दिमाग की दही कर रखी है मुझे तो लगता है ये इसकी मॉम ना मेरे लिए आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है गिरीश यस मैम सारे वेटर्स कहाँ हैं मैम वो सब मेहमानों को सर्व कर रहे हैं अगर मेहमानों को सर्व कर रहे हैं तो वो राइट हैंड साइड वाली कॉर्नर टेबल पे अब तक ड्रिंक्स और स्नैक्स क्यों नहीं पहुंचे मैम किचन और सर दोनों को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है हमारे पास कैटर तो हैं लेकिन इसका मतलब ये है केटरर्स हैं तो तुम कुछ काम नहीं करोगी नहीं मैम मेरे कहने का वो मतलब नहीं था आप गलत समझ रही हैं मेरे कहने का मतलब ये था कि प्रीता मैम पहले पूरी पार्टी हैंडल कर लेती थी कौन कहाँ जाएगा कौन कहाँ सर्व करेगा किचन में कौन रहेगा अब वो प्रीता मैम नहीं है ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अब पार्टी को हैंडल करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है वो आदत नहीं है ना मैम इसलिए थोड़ा सा ओह आई एम सो सॉरी गिरीश मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि तुम्हें प्रीता की आदत हो गई है प्रीता के सिवा इस घर में कोई फंक्शन नहीं हो सकता कोई पार्टी नहीं कर सकते हम लोग ऐसा कुछ नहीं है मैं अभी कुछ करता हूँ जब मेरी लाइफ में नहीं थी ना तो लाइफ बेटर थी जब मिला ना उससे तो बहुत नफरत करता था उससे बहुत ज्यादा लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत सी होने लगी आसपास होती थी ना तो अच्छा लगता था एक अजीब सी खुशी थी कि यू नो शी इज अराउंड बहुत झगड़े होते थे हमारे बहुत ज्यादा लेकिन उन झगड़ों की भी आदत होने लगी अब पता क्या लगता है कि हर वक्त उसे आसपास होना चाहिए और नहीं है लेकिन दिल अभी भी यही चाहता है कि वो आसपास हर वक्त हर लम्हा ओ साजना मेरे बनाया तूने ओ साजना